लो जी रोक दी गाड़ी। सिटी सुनी रही थी क्या? सिटी तो सुनी थी पर मुझे लगा मैं दिल्ली में हूँ। क्या अब क्या है कि ऐसे पुलिस वाले सिटी में जाते हैं दिल्ली में तो हम लोग रुकते नहीं, हम भाग जाते हैं। दिल्ली की है? नहीं मेरी है। ये नंबर तो दिल्ली का है। हाँ नंबर दिल्ली का है। ट्रांसफर क्यों नहीं करे तुम्हें मालूम नहीं? मुंबई में बाहर की गाड़ी का नंबर नहीं चलता है। नहीं सर वो क्या है मैं अभी आया हूँ ना दिल्ली से, बस ट्रांसफर करा लूंगा। लो 500 रुपए लो। अच्छा भाई ठीक है ये लो, ये लो 20 रुपए। 20 रुपए नहीं 500 रुपए दो। अरे दिल्ली में तो 5 रुपए में काम चल जाता है, 500 रुपए मांग रहे हैं। देखो रिश्वत दी तो तुम्हें गाड़ी से अंदर कर दूंगा। लाओ 500 रुपया। सॉरी सर। जाओ सर। चलो आज ही आरटीओ जाकर ट्रांसफर करा लो। बस अभी जाता हूँ सर। काम करे ढोल कर दिखाए। भाई साहब ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहाँ है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बाजार आप किसी पढ़े लिखे आदमी को पटा कर लो। बताइए कहाँ कहाँ का पता पूछते हैं। हेलो हेलो हाय व्हाट डू यू वांट? वाह वाह बढ़िया। नो 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 थैंक्स, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यही है? नो 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 दिस इज आरटीओ। पर आरटीओ और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस तो एक ही होता है ना? पता नहीं बट आप अपनी कार यहाँ पे पार्क मत कीजिए, दिस इज ओनली फॉर स्टाफ। उधर स्टैंड है वाला के पार्क कीजिए, पे एंड पार्क, प्लीज स्टैंड देयर। किस बात के? पार्किंग के। आप तो वहाँ वड़ा पाव बेच रहे थे ना? अरे सर यहाँ आरटीओ के सारे ठेके मैंने ले रखे हैं, कैंटीन का, पार्किंग का। वैसे बैनर है अगर आपकी गाड़ी का कोई सामान चोरी हो जाए तो वी आर नॉट जिम्मेदार। क्या? नहीं होगा कुछ नहीं, लेकिन बोल देना फर्ज है। वो देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, डोंट वरी कुछ नहीं होगा। थैंक यू। गाड़ी का नंबर चेंज कराना है? आपको कैसे पता? अरे भाई दिल्ली का नंबर है, मुंबई का कराना होगा। ये तो है। नहीं मैं करा दूंगा 2000। क्या रुपए? किस बात के? दलाली के। अच्छा तो आप दलाली भी करते हैं? भाई साहब आरटीओ पे ऑफिसर नहीं हूँ, बाकी सब कुछ हूँ। बोलिए कराना? नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूंगा। अरे भाई साहब मैं करा दूंगा ना, आधे घंटे में कहाँ धक्के खाते रहेंगे आप? देखिए भाई साहब दलाली तो मैं 25 पैसे नहीं दूंगा। आप बच्चे को ऑफिस में लाती क्या? क्या करूँ सर मेरी सास भाग गई है, अभी बच्चे को अकेले छोड़ के तो मैं नहीं आ सकती ना। बताइए ना भाई साहब मैं क्या करूँ। बात तो ठीक है कह रही है, बेचारी बच्चे को अकेले कहाँ छोड़ेगी, बच्चे को कौन संभालेगा? फाइल कौन लाएगा? फाइल कौन लाएगा? यही तो मैं लाऊंगी ना। आप जरा एक मिनट इसे पकड़िए ना, दूध पिलाइए। एक्सक्यूज मी। या जी मेरा नाम मुसद्दीलाल खुराना है। अच्छा जी मैं दिल्ली से आया हूँ। तो जी मेरे पास एक कार है। मेरे पास दो हैं। जी जी ये बात ये है कि जब मैं कार चलाता हूँ तो चालान हो जाता है, तो मैं चाह रहा था कि लाइसेंस बनवाना। नहीं नहीं लाइसेंस नहीं बनवाना है, कार ट्रांसफर करवानी है। दिल्ली गाड़ी है तो बंबई में ट्रांसफर करवानी है। आप क्या करेंगे उसके लिए? मैं क्या करूंगा? आप तो आप करेंगे। हाँ वो तो हम आपका काम करेंगे, आप क्या करेंगे? मैं आपसे काम करवाऊंगा फोकट में। नहीं फोकट में नहीं, जो फीस होगी वो दूंगा। फीस? जी हाँ आप कर दीजिए फीस। हाँ ठीक है आप फॉर्म भर लीजिए, पेपर दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। जी अच्छा ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? पटेल साहब के पास। ये पटेल साहब कहाँ मिलेंगे जी? होंगे यही कहीं। यहाँ कहाँ? अरे देख लो ना मोटे से हैं, देख लो। अच्छा अच्छा एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये मुझे कार ट्रांसफर कराने के लिए एक फॉर्म चाहिए, है आपके पास? जी हाँ है। तो एक दे दीजिए। क्यों दे दूँ? मुझे कार ट्रांसफर करानी है ना। अरे तो एक ही है मेरे पास। मुझे भी एक ही चाहिए बस। अरे तुम्हें दे दूंगा तो अपनी कार कैसे ट्रांसफर कराऊंगा? अजीब आदमी है। अजीब तरह का स्टाफ है यहाँ का, ये पीएम कहाँ चलेगी बच्चों को देखे। एक्सक्यूज मी भाई साहब वो पटेल साहब ने तो फॉर्म देने से इनकार कर दिया। क्या? हाँ बड़े बदतमीज टाइप के आदमी है, कहने लगे फॉर्म नहीं दूंगा मैं आपको। यार मैंने कब ऐसा कहा? नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पटेल साहब की बात कर रहा हूँ। कौन पटेल? वो वहाँ कहाँ गए? वो पटेल है। जी हाँ। तो मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता आप कौन है। यही पटेल है। तो वो कौन है? अरे वो कौन है मुझे क्या मालूम। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी पटेल साहब मुझे एक फॉर्म दे दीजिएगा प्लीज। कल आना। कल? हाँ फॉर्म लंच टाइम के पहले मिलते हैं, अभी 1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया। नहीं कल नहीं कल आना, कल। को साथ ले आई हूँ ना आज। हाँ इसलिए तो फोन करने के लिए टाइम नहीं मिला ना। जी मैडम ये आपका बच्चा। अभी कस्टमर को दिया है, दूध पिला रहा है। आपका बच्चा? क्या करूँ सास भाग गई ना मेरी। देखिए सुनिए मुझे जाना है, आपका बच्चा। नहीं नहीं सुनो सुनो क्या है, बाद में आना। तुम जरा 2 मिनट पकड़ लो ना, थोड़ी गप्पे मार लो। जी 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 थैंक यू। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? ये क्या कर दिया भाई साहब? क्या नहीं भाई साहब हो गया, वही तो कह रहा हूँ, यहाँ क्यों कर दिया? नहीं बस वो निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? बाहर गवर्नमेंट ने टॉयलेट बनाया है, वहाँ चले जाते। पता नहीं चला ना। जी आपको पता ही नहीं चला? नहीं बस गीला हुआ तो पता चला। बड़ी बुरी बीमारी है भाई साहब, कम से कम कुछ इलाज उलाज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? अब इसका इलाज क्या, इस उम्र में तो हो ही जाता है। अब ऐसे भी उम्र नहीं है अब आपकी। मेरी उम्र? हाँ 40-45 तो होगी। 46 पूरे किए हैं। लीजिए 46 की उम्र में कोई ऐसा करता भला? ये बच्चा आपको 46 का दिखाई देता है?
अच्छा हाँ अच्छा 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 लेकिन बच्चा क्यों ले आए साथ में? मैं नहीं लेके आया, ये यहाँ खड़ी है ना, इनका बच्चा है। उषा दीदी उषा दीदी मुझे बच्चा पकड़ा के वहाँ पे गप्पे हाँ करेंगे। कोई बात नहीं, कैरी ऑन, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जब हो जाए सब कुछ तो क्लियर कर लीजिएगा भाई साहब। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता मतलब? जला के देखी थी। जला के? अरे दिन में कैसे जलाऊंगा, कल रात को जलाई थी मैंने। हो तो हो सकता है, जब आप यहाँ पे आए हो पहले से ही ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ वैसे हो तो सकता है, पर गई कहाँ? एक काम करिए, घर जाके आराम से सोचिए। ठीक है, घर जाके आराम से सोचता हूँ। पांडे जी। जी। ये पटेल साहब कहाँ मिलेंगे? वो आज छुट्टी पर हैं। क्या? जी। कल भी छुट्टी पर थे? कल भी रहेंगे। क्या? जी। तो मैं कब आऊँ? जब पटेल साहब आ जाएं। ये पटेल साहब कब आएंगे? पता नहीं। पांडे जी क्या है कि मैं रोड टैक्स का चक्कर था। टैक्स भरना नहीं चाहते हो क्या? जी हाँ। गुड, हो जाएगा। लो भाई साहब पर्ची लो। क्या हुआ पटेल साहब, आज भी नहीं आए? हाँ नहीं आए। कल भी नहीं आएंगे? अरे क्या निकला है गाड़ी में से? अरे अरे मेरी बैक लाइट नहीं है। पहले से नहीं थी? नहीं पहले थी। अरे भाई साहब मैंने आपको जाते देखा था, आपके पीछे कोई लाइट नहीं थी। अरे मेरी बैक लाइट नहीं मतलब मेरी गाड़ी की बैक लाइट। अच्छा आपको पक्का पता है कि जब आप आए थे तब थी? हाँ हाँ कल रात को मैंने जलाई थी। ओहो तो हो सकता है यहाँ आते आते चोरी हो गई हो। आते आते नहीं, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ किसी ने चुरा ली हो। ना 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 यहाँ चोरी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे कर सकते आप? हो सकता है कोई चोर आया और चुरा के ले गया। भाई साहब हमारे रहते हुए यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? यस। तो भाई गई कहाँ? घर जाके आराम से सोचो। घर जाके सोचो? हाँ। भाई साहब गाड़ी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? सुनिए सुनिए देखिए, ये गाड़ी के ट्रांसफर के चक्कर में ही तो मैं रोज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। वहाँ जाने का तुमको किसने कहा था? मैंने तो तुम्हें आरटीओ जाने को बोला था ना। अरे भाई साहब आरटीओ का फुल फॉर्म ही तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है ना। तुम अब हमें सिखाओगे? हमें सिखाओगे तुम? ₹500 लाओ। अरे देखिए भाई साहब आप रोज मेरा चालान काटते थे, मेरी बात तो सुनिए आप पहले। तो तुम DLP लगा के क्यों घूमते हो? गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई ना अभी तक। देखो जब तुम्हारी गाड़ी ट्रांसफर होगी तो तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा मैं। नहीं देखिए साहब मेरी बात देखो, फ्रंट लाइट भी नहीं है और बैक लाइट भी नहीं है और पता नहीं क्या क्या नहीं है, तुम्हारा तो डबल चालान होगा। ₹1000 लाओ। देखिए सब क्या कह रहे हैं? लाओ नहीं तो तुम्हें गाड़ी से अंदर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब काटिए मैं रसीद देता हूँ। ले लीजिए लाओ का नोट है। थैंक गॉड पटेल साहब आप आ गए। फॉर्म ठीक से भरना। दिल्ली से NOC लाए हो? जी NOC। हाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किससे? अरे भाई दिल्ली के RTO से NOC लगता है ना। क्यों भाई? आपका कोई चलान वलान पेंडिंग हुआ तो, कोई केस बेस हुआ तो कार पर, क्या है पहले वहां से NOC लाना पड़ता है कि मुसद्दीलाल खोरा ना अपनी कार यहां पर मुंबई में ट्रांसफर कर। हाँ तो जाओ, और रास्ता नहीं है? नहीं है। देखिए कुछ कीजिए ना प्लीज। तुम लोग क्या है वहां पर फटाफट एक्सीडेंट करते हो और फिर यहाँ आके नंबर चेंज करते हो और फिर मजे करते हो। नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जाओ ना दिल्ली। देखिए सर मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है यहाँ पे। तो फिर बाद में ट्रांसफर करा लेना। बाद में भी नहीं करा सकता, रोज ट्रैफिक पुलिस वाले मेरा चालान करते रहते हैं। हाँ वो तो काटेंगे ही ना। तो फिर बताइए क्या करूँ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखिए सर प्लीज कुछ रास्ता निकालिए ना। देखो हर जगह जाने के दो रास्ते होते हैं, नंबर 1 रास्ता मैंने तुमको दिखाया, नंबर 2 रास्ता है 2000। 2000 तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, क्या है तुम दिल्ली जाओगे तो 4-5 हजार के नीचे आ जाओगे ना, या तो फिर नहीं गए तो ट्रैफिक वालों के नीचे आ जाओगे। देखिए सर ₹500 में निपटा देते हैं। 2000 में निपटाते। 650 ओके? 2000 ओके? 700? 2000? 800 फाइनल? 2000 फाइनल। अच्छा 900 टॉप कर दीजिए। 2000 टॉप कर देते हैं। ₹1000 में फाइनली मान जाइए। 2000 में फाइनली मान जाता हूँ। ठीक है दिल्ली भेज के किसी को NOC वाले मंगवा लूंगा। क्या मुसद्दीलाल क्या आप भी? 1000 क्या, मैं तो 500 में करा दूंगा, मगर क्या है 2000 में कराऊंगा ना तो काम यूं हो जाएगा। क्या है 1000 में किए ना तो दो बातें होंगी, या तो काम आज होगा या तो मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। आज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और कल बुलाया तो दो बातें होंगी, या तो कल मैं आऊंगा या तो नहीं आऊंगा। आऊंगा ये पक्का नहीं है, और नहीं आया तो दो बातें होंगी, या तो तुम परसों आओगे या तो नहीं आओगे। नहीं आओगे तो कहां जाओगे, और आए तो दो बातें होंगी, या तो मैं तुम्हें मिलूंगा या तो नहीं मिलूंगा। नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा है, और मिला तो दो बातें होंगी, या तो मैं तुमसे कहूंगा कि कल आओ या तो परसों, कल बुलाया तो ठीक परसों बुलाया तो। यार क्यों कल
परसों के चक्कर में पढ़ना चाहते हो? कल कभी आया है किसी का तो परसों क्या आएगा? 2000 के लीजिए। तुम लोग भी ना दो बातें सुने बिना मानते नहीं हो। जाओ, हो जाएगी एनओसी। पर वो एनओसी कहाँ से आएगी? अरे भैया, आरटीओ आरटीओ है ना, और वो भी दिल्ली आरटीओ और मुंबई आरटीओ तो भाई भाई है। जाओ पांडे जी के पास जाओ और रोड टैक्स के पेपर्स दिखा दो। जी। मैं देखना क्या है, भरना तो पड़ेगा ही। क्या सर? रोड टैक्स। पर सर वो तो वन टाइम पेड है सर। नहीं, वो तो दिल्ली में भरा था ना। हाँ तो गाड़ी दिल्ली में चलाता था सर, तो वही भरूंगा ना। यहाँ क्या फोकट में चलाओगे? मुंबई की सड़कों ने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं सर, बिगाड़ा तो कुछ नहीं है सर, वो तो खुद ही बिगड़ी हुई है। मैं कर दूंगा पे सर। हाँ, ये इंश्योरेंस भी तो दिल्ली का है, तो मैं इसको भी मुंबई का करा लूंगा सर। गुड गुड। वो कहाँ है? वो क्या सर? ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई मुंबई में कोई भी चीज। सर ये ऑक्ट्राई क्यों लेते हैं सर? कल को बोलोगे कि घुस तो लेते भाई, जो रूल है वो रूल है, कानून के हमने बनाए, इसकी क्लियरेंस की रसीद लगाओ। सर देखिए, आप खाम खा परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो लेना देना है लीजिए, खत्म कीजिए। 2000 इससे कम तो आप करेंगे नहीं। पटेल ने किया ना, तो फिर अगर मैं करूंगा तो मुझे ब्लेम करेगा वो कि मैंने रेट गिरा दिया। ठीक है सर, ये लीजिए सर 2000। सर अब तो मेरी कार ट्रांसफर हो जाएगी ना सर? बिल्कुल हो जाएगी, एक बार इंस्पेक्टर चेक कर लेगा कि आपकी कार मुंबई में चलने लायक है या नहीं, बस। कौन सा इंस्पेक्टर सर? शुक्ला जी। भैया सेट अप, आई एम इंस्पेक्टर शुक्ला, नॉट हवलदार। बस आपके पांचों ऑटो सड़क पर चलना बंद। किसी गलती हो गई? अरे गलती कैसे हो गई, पानी खिला गलती हो गई। चलिए हमसे भी एक गलती हो गई सरकार, हमने आपके पांचों ऑटो को सड़क पर चलने से बंद। ऑटो बंद। आपका भी ऑटो बंद? नहीं सर, मेरा ऑटो नहीं है सर। क्या है आपका? कार है जी। आपकी कार बंद? वो तो धुआं नहीं छोड़ती सर। अरे धुआं को मारी गोली? पान खाते हैं जी? नहीं। खिलाते हैं जी? हाँ। तो खिलाइए ना, तो खाइए ना। नहीं ना। पेपर दिखाइए ना। ये सर एनओसी क्लियर सर। ऑक्ट्राई क्लियर सर। इंश्योरेंस क्लियर सर। रोड टैक्स क्लियर सर। बाकी फिर टोटल क्लियर सर। हाँ, तो हम चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपकी गाड़ी को अप्रूव करते हैं। जी सर। गाड़ी दिखाइए, कब की मॉडल है ये? 1996 की है। चोरी की है? नहीं नहीं, अपनी। अच्छा, ये हेडलाइट कहाँ है? जी एक्चुअली भाग लाइट भी नहीं है। अच्छी बात क्या भाई साहब, मैं 2 महीने से यहाँ पे कार ट्रांसफर करवाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब मैं यहाँ आता हूँ आरटीओ के ऑफिस में, तो रास्ते में आते आते कार के पुर्जे गायब होते चले जाते हैं। आते आते? जी आते आते। कैसे आते हैं आप? जी कार से। कार कैसे चलती है? जी मेरी कार तो सीएनजी के सिलेंडर से चलती है सर, मैंने वहाँ पे खास तौर पे डलवाया था, पोल्यूशन फ्री, 20,000 रुपए खर्च किए हैं मैंने, फर फर चलती है मेरी कार। फर फर? जी हाँ, फर फर। ये बताइए बगैर पहिए के आप कार कैसे चलाते? कार में नहीं, पहिए के बगैर नहीं, पहिए के। अरे मेरी कार के पहिए कहाँ गए? पहिए कहाँ गए मेरी कार के? अरे वो स्टैंड वाला कहाँ? स्टैंड वाला भाटिया। हाँ भाटिया, 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 भाटिया। क्या हो गया ऐसा? वाइज शॉटिंग। अरे मेरे पहिए खराब हो गए। आपके पहिए? मतलब मेरी कार के पहिए। अरे वो कार के पहिए नीचे होते हैं। हाँ, तो है नहीं ना, तो कहाँ चले गए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि लास्ट टाइम आपने पहिए कब देखे थे? यही को 2-3 दिन पहले, जब मैंने हवा भरवाई थी। लो, 2-3 दिन पहले देखे थे भाई साहब इन्होंने पहिए, और आज पूछ रहे हैं कि मेरे पहिए कहाँ चले गए। अरे भाई हो सकता है इन 2-3 दिनों में किसी ने पहिए निकाल लिए हो। आप पहिया लाए नहीं हो? नहीं सर, कार से तो आता हूँ ना यहाँ पे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पहिए का कार कैसे चलाते हैं? कार तो पहिए के साथ ही चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैंड पर से पहिए चोरी हुए हैं। देखिए भाई साहब, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने आपको पहले बता दिया था। उधर बोर्ड लगाओ पहले, पार्किंग एट इज ऑन इट। क्या करें, कैसे क्लियर करें इनके कार? मतलब सर आप क्लियर कर दीजिए, मैं पहिए लगवा लूंगा। पक्का लगवा लोगे ना? हाँ हाँ लगवा लूंगा। हाँ भाई साहब, जो आदमी 20,000 रुपए का सीएनजी लगवा सकता है, पहिए तो लगवा ही लेगा। अब मुझे लग रहा है ये सीएनजी के मामले में भी फेंक रहा होगा। नहीं नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ सर, सीएनजी लगा हुआ है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। अरे चाबी अभी छोड़िए ना। अरे थैंक यू, थैंक यू। सीएनजी कहाँ है? सीएनजी का सिलेंडर कहाँ गया? तो खाना पकाने वाला सिलेंडर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीएनजी कहाँ है? ये तो मैं सोच रहा हूँ। याद कीजिए, कहीं दिल्ली तो नहीं छोड़ा है? कहीं सोचा हो, रास्ते में भूख लगेगी तो खाना भी बना लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सीएनजी का सिलेंडर था मेरे पास, मुझे लगता है किसी ने निकाल लिया है। लेकिन है कहाँ? अरे भाई साहब, ये एलपीजी है, इससे भी गाड़ी चलती है। इलीगल है। सीएनजी कहाँ है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ है। अच्छा ये बताइए कि लास्ट कब देखा था आपने? लास्ट जब मैंने गैस भरवाई थी तब। कब भरवाई थी गैस? यही कोई हफ्ता भर पहले। लीजिए, हफ्ता भर पहले देखा था इन्होंने सीएनजी, आज पूछ रहे हैं कि कहाँ है। अरे हफ्ते में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन वो सीएनजी का सिलेंडर है कहाँ? सुनिए, आप जो है सीएनजी सीएनजी खेलते रहिए, मेरा ड्यूटी का हो गया, फुल स्टॉप, नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी? क्या हुआ ये भाई साहब? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कार का नंबर ट्रांसफर कराने के लिए आया था, और यहाँ पे मेरी कार के पुर्जे ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं, कार का नंबर ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्या करूँ? 2000। काम पक्का हो जाएगा? पक्का। पर वो सीएनजी का सिलेंडर? अरे एलपीजी से चलाओ यार।
इलीगल है ना। बताइए कौन पागल कहता है कि एलपीजी जो है इलीगल है। इडियट है सर, ये तो टू इन वन है। जब चाहो खाना पकाओ, जब चाहो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाते चलाते खाना पकाओ या खाना पकाते पकाते गाड़ी चलाओ। आई एम रियली थैंकफुल टू रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। बताइए खून पसीना बहाया वाले और नाम हो रहा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस वालों। ये तो गलत बात है।